जीऊंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। अनुपमा के जिंदगी के अब सबसे हसीन दिन शुरू हो गए हैं। इस शादी के 25 सालों में उसे जो खुशी नहीं मिली आज अभी, वो खुशी अब उसे जल्द ही मिलने वाली है। अनुपमा ऐसी पहली बहू होगी जिसकी डोली ससुराल से उठेगी। कुछ ही दिनों में अनुज के घर वो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन उससे पहले आज अनुज के साथ अब उसकी सगाई होने वाली है। ये देखिए कैसे सगाई की अंगूठी की शॉपिंग करने आए हैं अनुपमा और अनुज। अब उसने ये कह दिया है ना कि ये शादी किसी भी हाल में होगी, तो भाई शादी तो जरूर होगी। अनुज और अनुपमा एक और शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो दूसरी ओर अनुपमा के ससुराल में देखिए कैसे शादी की जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। हम ये सारे घर के जो भी फंक्शंस आने वाले हैं उसमें सब मिट बांट के काम करने वाले हैं। तो पाखी को कर्टन्स लगाने का काम है, तोशो को फूल लगाने का काम है, मुझे सबको यू नो प्रॉपरली देखने का काम है कि कौन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो या अब कोई खुश है तो कोई उदास है, किसी के चेहरे पर 12 बजे हैं तो किसी के चेहरे पर बेशुमार खुशियां हैं। मेरे साथ साथ किंजल भाभी भी बहुत खुश है, क्योंकि यू नो हम दोनों ही मम्मी के सपोर्ट में है और हमेशा से यू नो हम चाहते थे कि उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आए, जो कि अब होने जा रहा है। अब जब अनुपमा की शादी होती हुई नज़र आ रही है तो उनकी खुशियाँ भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो खुद बहुत खुश है शादी को लेकर। सब खुश है, लेकिन एज यूजुअल कुछ लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते हैं मम्मी की खुशी में। सो हाँ, कुछ लोग हैं जो मुंह बना के बैठे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है शादी। अब उम्मीद करते हैं कि शादी वाले दिन तक जिन चेहरों पर 12 बजे है ना, उन चेहरों पर भी खुशियां झलके, तब कहीं जाकर सही मायने में अनुपमा की ये दूसरी शादी सक्सेसफुल साबित होगी। मुंबई से सुरभि रहसी के